नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सभी न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी बलिनो का एक्सीडेंट देखेंगे, जो बताता है कि कंपनी ने इस गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी को किस हद तक इम्प्रूव किया है। वैसे बलिनो नाम ही बहुत ज्यादा बदनाम है इसकी खराब बिल्ड क्वालिटी की वजह से, और बदनाम क्यों है वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इस प्रीमियम हैचबैक जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, उसने आज तक एक भी एक्सीडेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। एक्सीडेंट छोटा हो या बड़ा, सब में इसकी हालत बुरी तरह खराब हो गई है। हालांकि गाड़ी का न्यू जनरेशन या कहिए करंट जनरेशन जो है उससे बड़ी उम्मीदें हैं, और कंपनी ने बोला है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी इम्प्रूव करी गई है और इसने कुछ जगह अच्छा परफॉर्म भी किया है, और ये आपको आज के इस एक्सीडेंट में भी दिख जाएगा, जिसे वेस्ट बंगाल से मिस्टर कौशिक जी ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले वेस्ट बंगाल के झारग्राम में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रात के समय बलिनो से तीन लोग NH6 से होते हुए खड़गपुर की तरफ जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रक से उनके कार की टक्कर हो गई। बताया जा रहा किसी वजह से नो एंट्री लगाकर कुछ दूर तक का रोड पूरे दिन के लिए बंद कर दिया गया था। सिर्फ रात के समय कुछ गाड़ियां छोड़ी जा रही थी, वो भी सिर्फ एक ही रोड पर। शायद ट्रक वाले को इस चीज का अंदाजा नहीं था, इसलिए ऑपोजिट साइड से आ रहे बलिनो को उसने हिट कर दिया। जो भी हो, टक्कर जबरदस्त था, जिसके बाद बलिनो घूमकर डिवाइडर पर चढ़ गई। फोटोज में आप साफ देख सकते हैं इसका फ्रंट बहुत ही बुरी तरह डैमेज हो चुका है। बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, ग्रिल, रेडिएटर, विंडशील्ड सब में कायदे का नुकसान आ गया है। हालांकि थैंकफुली इम्पैक्ट पिलर्स तक नहीं पहुंच पाया, ये बिल्कुल सेफ थे, और यही वजह है कि अंदर बैठे पैसेंजर्स भी थोड़े बहुत इंजरीज के साथ सेफ हैं। तो भाई, यहाँ पर जो भी हुआ अनफॉर्चुनेट था। पुलिस को ऐसे सिचुएशंस में प्रॉपर साइन बोर्ड वगैरह का यूज करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि सामने से यानी रॉन्ग साइड से भी गाड़ियां आ सकती हैं। खैर, हो सकता है उन्होंने बोर्ड लगाया हो, ट्रक वाले ने ध्यान ना दिया हो। जो भी हो, बलिनो का परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा था। उम्मीद है मारुति सुजुकी ने इस गाड़ी को एटलीस्ट 4 स्टार लाइक बनाया होगा। आपको क्या लगता है ये ग्लोबल एंड कैप में कितने रेटिंग्स स्कोर करेगी, कमेंट्स में बताएं।